हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। हम हमारी G20 की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। अब देखो, इतनी सारी बातें तो हो गई कि हाँ 2023 में इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है और उसने इसे बहुत अच्छे से, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया है। लेकिन सवाल ये आता है ना कि आखिर इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी मिला कैसे? क्या उसका कोई क्राइटेरिया है या ये एक नॉर्मल सी बात है? तो आइए पहले उसे देख लेते हैं और फिर बाद में हम इंडिया के जो G20 प्रेसिडेंसी की थीम, लोकेशन एंड उसको फिर अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिली है क्या वो किसी क्राइटेरिया के तहत मिली है। ओके, देखो, अगर मैं G20 कंट्रीज की बात करूं, ये हमारे G20 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसके बारे में हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था, राइट। अब देखो, होता क्या है कि ये जो सारे 19 कंट्रीज हैं ना, इन्हें 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो 5 ग्रुप्स हैं, पहली बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सारे ही कंट्रीज एलिजिबल हैं G20 प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है। सारे ही कंट्रीज होस्ट कर सकते हैं G20 समिट। अब ये क्या होता है, हर साल चेंज होता रहता है, रोटेशन बेसिस पे। तो इस पे क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन को छोड़कर जितने भी देश हैं उन्हें 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। हर जब भी किसी एक ग्रुप की बारी आती है तो उसमें जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में नेगोशिएट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि पहले इस कंट्री को G20 का प्रेसिडेंसी मिलेगा, फिर बाद में दूसरे कंट्री को। तो हमने देख लिया कि जो इंडिया को जो G20 का प्रेसिडेंसी मिला है पहली बार, वो कोई ऐसे क्राइटेरिया के तहत नहीं मिला है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रूटीन है व्यूट से कि जो चेयर है वो रोटेट होता रहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलना एक बात होती है और उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करना और रिजल्ट्स देना ये अलग बात होती है। और यहीं पर भारत ने देखो, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, भले ही हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन भारत ने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, उसके बहुत सारे रिजल्ट्स दिए। हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि कैसे जो आउटकम्स हैं हमारे वो बाकी कंट्री के प्रेसिडेंसी से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना ज्यादा है, ठीक है। और बहुत सारे आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल हैं, जिनके बारे में हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ओके, सो हमने देख लिया कि भारत को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली है वो एक नॉर्मल बात है, आम बात है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो G20 की प्रेसिडेंसी थी 2023 में इंडिया के पास, उसका थीम क्या था। तो जो थीम था वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब ये जो फ्रेज है, आपने देखा होगा कि यूपीएससी में पहले भी फ्रेजेस पूछे गए हैं कि उनका रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पोर्शन। तो हम देख लेते हैं कि ये जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है, प्लस इसका रेफरेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो जो ये फ्रेज है, ये एक संस्कृत फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो पूरा विश्व है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। यहाँ पे हमें ब्रदरहुड देखने को मिलता है। ओके, अब इसका रेफरेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाउपनिषद में, प्लस हितोपदेश में, ठीक है। तो हमें कौन से एंशियंट टेक्स्ट में जो थीम है इस साल की वसुधैव कुटुंबकम देखने को मिलता है, महाउपनिषद में और हितोपदेश में, ये हमें याद रखने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस बैकड्रॉप की। देखो, यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, जो भी G20 के लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, जब एंट्री में उनके साथ हैंडशेक किया जा रहा था, मतलब जहां पर पीएम, हमारे जो पीएम सर हैं, उन्होंने बाकी लीडर्स को ग्रीट किया, वहां का जो बैकड्रॉप है, देखो वहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये है हमारा कोणार्क व्हील।
यहाँ पर हमें एज अ बैकड्रॉप कोणार्क व्हील का रेप्लिका देखने को मिला है। तो आओ हम इसे भी अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करते हैं। तो जो कोणार्क व्हील है ये किस रेप्लिका है, राइट, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें कोणार्क सन टेम्पल जो कि ईस्ट ओडिशा में है, ठीक है, कोणार्क नाम के एक सिटी में जो पुरी से थोड़ी ही दूर पर है, ठीक है। तो हमें ईस्ट ओडिशा में जो कोणार्क सन टेम्पल है वहां पर कोणार्क व्हील देखने को मिलता है। और ये कब बनाया गया था, ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। और किसने बनाया था, किंग नरसिंह देव वन ने, किंग नरसिंह देव वन ने। और ये किसे, किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ओके, ये हमारे पॉइंट से। अब देखो ये जो कोणार्क व्हील है ना, हमने ये कहीं देखा है, राइट, हमने हमारे नेशनल फ्लैग में देखा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग में जो अशोका चक्र है ना वो यही है। और इसमें जो 24 स्पोक्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें 24 स्पोक्स हैं। ये जो व्हील है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया जो कोणार्क व्हील है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनवाया था, किंग नरसिंह देवा वन ने, जो हम सन टेम्पल की बात कर रहे हैं, राइट, वहीं से ये लिया गया है। ओके, इसी का रेप्लिका है। और जो किंग नरसिंह देवा वन है वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये जो व्हील है ये हमें हमारे नेशनल फ्लैग में भी देखने को मिलता है, यहीं से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, अशोका चक्र। प्लस ये जो व्हील है इसमें 24 स्पोक्स हैं, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, चेंज को, प्रोग्रेस को। ओके, अब बात कर लेते हैं, जब सन टेम्पल की ही बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसका भी रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने की ज़रूरत है। तो वो सन जो हिंदू गॉड है उनको डेडिकेटेड है, ठीक है। जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो वहाँ पे हमें कौन सा आर्किटेक्चर, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये नगारा स्टाइल के अंदर आता है। ओके, ये नगारा स्टाइल के अंडर आता है। और इस मंदिर को, वे जो सन टेम्पल है उसे हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पुराने ज़माने में, पहले की जब बात है, ऐसा माना जाता था कि ये जो टेम्पल है ना, ये जो भी शिप्स जाती हैं समंदर में, वहाँ पे समंदर है, राइट, तो जो भी शिप्स जाती हैं ये बिल्कुल तट की तरफ अपनी ओर इसे अट्रैक्ट करता है, उन शिप्स को, तो इसीलिए इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। ओके, एंड ये जो सन टेम्पल है ये बिल्कुल एक कॉलोसल चैरियट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमने कोणार्क सन टेम्पल के भी कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हम वेन्यू की तरफ। वेन्यू क्या था जो G20 समिट हुआ, क्या था, न्यू दिल्ली, है ना, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जिसे हम भारत मंडपम भी बोलते हैं। ओके, ये जो भारत मंडपम है, ये जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, ये इंडिया का लार्जेस्ट माइस है। माइस क्या होता है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, ये इंडिया का सबसे बड़ा माइस सेंटर है। यहाँ पर हमें ऑडिटोरियम हॉल्स देखने को मिलेंगे काफ़ी ह्यूज साइज के, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो भारत मंडपम है इसमें हम एक बार में 7,000 डेलीगेट्स को एक साथ बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑडिटोरियम हॉल्स देखने को मिलेंगे, एमपी थिएटर देखने को मिलेगा, बहुत सारे एग्जीबिशंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भारत मंडपम है ये अब पब्लिक के लिए खोला गया है। ओके, पब्लिक भी
ये इट इज ओपन टू पब्लिक, प्लस ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट में, हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में हमारी मदद करेगा. अब देखो ये जो भारत मंडपम है ना, इसे कल्चर कॉरिडोर भी बोला जा रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो भारत मंडपम है ना, यहाँ पर हमने हमारे जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो रिच आर्ट एंड कल्चर है उसको भी शो किया है. साथ ही साथ जो हमारी मॉडर्न एमेनिटीज हैं, जो हमारा कंटेम्प्रेरी वे ऑफ लिविंग है उसको भी उसके साथ एसोसिएट किया है. मतलब हमें हमारा आर्ट एंड कल्चर, जो हमारा हम कह सकते हैं हमारी जो बहुत जो हमारी धरोहर है उसका भी हमें रेफरेंस मिलता है, प्लस साथ ही साथ जो कंटेम्प्रेरी वे ऑफ लिविंग है वो भी देखने को मिलता है. अगर मैं बात करूँ इस पूरे स्ट्रक्चर के, इस पूरे आर्किटेक्चर की, तो देखो ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये किससे इंस्पायर्ड है? ये अनुभव मंडपम या अनुभव मंडप, जो लॉर्ड बसवेश्वरा का कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पायर्ड है ये, ठीक है. और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भारत मंडपम है ये एक कॉन्च के शेप में है, एक शंख के शेप में है. ओके, अगर हम इस भारत मंडपम के वॉल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो हमारे ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को शोकेस करते हुए बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी. प्लस साथ ही साथ यहाँ के वॉल्स में हमें पंच महाभूत जो होते हैं ना, जो पंच महाभूत होता है उसका भी रेफरेंस देखने को मिलेगा. हमें सोलर एनर्जी का भी रेफरेंस देखने को मिल रहा है. प्लस जो हमने स्पेस में जो भी अचीवमेंट्स किए हैं, जीरो टू इसरो, ये भी हमें देखने को मिल रहा है. इसीलिए यहाँ पर इसे क्या बोला जा रहा है कि ये एक कल्चर कॉरिडोर है. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं. एमालगेमेशन है किसका? हमारा आर्ट एंड कल्चर का, जो हमारा रिच हेरिटेज है ना उसका, प्लस मॉडर्न वे ऑफ लिविंग का. ओके, एंड जैसा कि आप बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं एट द एंट्रेंस कि हमें लॉर्ड नटराज भी देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, लॉर्ड नटराज की स्टैच्यू भी है. तो हम अब इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नटराज है, ठीक है, जो नटराज स्टैच्यू है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये है लॉर्ड नटराज. अब ये क्या है? देखो जो हिंदू गॉड है ना शिवा, वो तांडव करते हुए, ठीक है, एज अ कॉस्मिक डांसर यहाँ पे रिप्रेजेंट करे गए हैं. ओके, ये चोला डायनेस्टी को बिलोंग करता है. और ये किस मेथड से बनाया गया है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है, और ये अष्ट धातु से बना हुआ है. ओके, तो ये जो नटराज जो हम स्टैच्यू देख पा रहे हैं यहाँ पर, शिवा को एज कॉस्मिक डांसर दिखाया गया है, तांडव करते हुए दिखाया गया है. ये चोला डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट पीस है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टैच्यू है, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है, अष्ट धातु को यूज करके. ओके, तमिलनाडु के जो वर्कर्स है उन्होंने इसे बनाया है यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. अब हम इस पूरे स्टैच्यू को देख लेते हैं. देखो अगर आप यहां पे अपर राइट हैंड देखोगे ना, यहां पे हमें डमरू देखने को मिल रहा है. ओके, ये किसे शो करता है? ये क्रिएशन को शो करता है. ठीक है, अगर हम टॉप लेफ्ट हैंड की बात कर ले, अपर लेफ्ट हैंड की बात कर ले, तो यहाँ पे हमें फायर अल्टार देखने को मिलता है. और ये किसे शो करता है? ये डिस्ट्रक्शन को शो करता है. ओके, अब अगर हम बात कर ले लोअर राइट हैंड की, तो ये अभय मुद्रा में है. ये ब्लेसिंग्स को सिग्निफाई करता है, प्लस बोलता है कि जो डिवोटी है उन्हें बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना चाहिए. ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. ओके, अब अगर हम बात करें लोअर लेफ्ट हैंड की, तो ये जो हाथ है ना ये बिल्कुल नीचे फुट की तरफ पॉइंट करते हुए है. और ये किसे शो करता है? ये
पाथ ऑफ सेल्वेशन, जो मोक्ष का पाथ है ना, उसे शो करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें ये लॉक्स देखने को मिल रहे हैं, हेयर देखने को मिल रहे हैं जो कि फ्लोइंग है, राइट। ये जो हाँ गंगा है, गंगा के फ्लो को सिग्निफाई करता है। ओके, यहां पर हमें देखो एक स्नेक भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो ट्विस्टेड है, लपेटा हुआ है हाथ के अराउंड। ये जो स्नेक है ये कुंडलिनी एनर्जी को शो करता है, ठीक है। कुंडलिनी एनर्जी एक एनर्जी है जो हम में से हर किसी के अंदर है, पर वो डोरमेंट स्टेज में है, ठीक है, जागृत नहीं है। ओके, अब देखो ये जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं शिवा, ये एक बौने के ऊपर, एक ड्वार्फ के ऊपर कर रहे हैं। ये ड्वार्फ किसको सिग्निफाई करता है? ये ड्वार्फ जो है ये इग्नोरेंस को सिग्निफाई करता है, ठीक है, ये ईगो को सिग्निफाई करता है एक इंडिविजुअल का। ओके, प्लस यहाँ पे आपको इमेज में इतना सही से पता नहीं चल रहा होगा, बट ये जो नटराज का जो स्टैच्यू है, इसके एक ईयरिंग में हमें मेल, एक ईयर में हमें मेल ईयरिंग देखने को मिलेगा, प्लस एक ईयरिंग जो है वो फीमेल की है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये अर्धनारीश्वर रूप को रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पर दोनों कानों में अलग अलग ईयरिंग्स हैं, एक मेल का है एक फीमेल का है, जो कि अर्धनारीश्वर को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, एंड साथ ही साथ हमें चारों तरफ ग्लोइंग लाइट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि अनएंडिंग साइकिल्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने ये भी देख लिया कि जो सेंटर स्टेज में हमें लॉर्ड नटराज की स्टैच्यू देखने को मिली है, उसे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने उसे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक किया। तो इसी के साथ हमने देख लिया इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के बारे में, कि इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी कैसे मिला, ठीक है, उसका थीम क्या था, लोकेशन क्या था, प्लस क्योंकि हमने बैकड्रॉप की भी बात की, वहाँ पे कोणार्क व्हील हमें देखने को मिला था, उसका रेप्लिका, राइट, वो भी हमारे स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो UPSC एग्जाम में ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आउटकम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो भी हमें इंपॉर्टेंट आउटकम्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिले हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।